अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? अल्लाह के करम से हम लोग सब ठीक ठाक हैं। और मुझसे किसी सिस्टर ने पूछा था कि आप अबरिश को दूध किस तरीके से देते हैं, ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो अबरिश 7 मंथ्स की हो चुकी है और 8 मंथ इसका स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इसको 6 मंथ से स्टार्ट किया था, पहले मैं सिर्फ इसको वो ही देती थी लैक्टोजन, ठीक है। तो अभी इसमें ये जो दूध है इसमें मैं 3 इलायचियाँ डालती हूँ, ठीक है। और इसमें मैं तकरीबन 1 लीटर अगर दूध है तो मैं आधा लीटर पानी डालती हूँ इसमें, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब गाढ़ा होता है दूध, तो बच्चों को है ना पेट वेट में मसला हो सकता है। तो इतना मतलब आधा जितना दूध हो उससे आधा पानी डालें, उसको अच्छे से पकाएं, फिर बच्चे को महसूस नहीं होता पीने में, ठीक है ना। तो इसके लिए इस तरीके से दूध देती हूँ। चलें, अब दोपहर का टाइम हो गया, मैं किचन में आ गई हूँ और मैं बनाने वाली हूँ आज आलू शिमला मिर्च। तो मैंने सोचा कि चलें आलू शिमला मिर्च बना लिया जाए, लेकिन मैं ऐसी फुल रेसिपी नहीं दूंगी, बस ये ओवरव्यू दूंगी। बस ऑयल मैंने गर्म रख लिया है और अब मैं इसको प्याज के बगैर बनाती हूँ। मैं इसमें आलू डाल दूँगी, आलू जब फ्राई हो जाएंगे अच्छे से, अभी हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि आलू का कच्चापन ऐसे ही निकालना है, हमने इसको पानी वानी डाल के नहीं गलाना है। तो आलू का कच्चापन हमें इसको फ्राई करके ही निकालना है। तो फिर हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, जब ये आलू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे फिर हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। देखें, ये मैंने हरी मिर्चें भी साबित फेंक दी हैं और लहसुन भी साबित ही डाल दिया है। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आया था और आप खा के देखिएगा, जब ये लहसुन फ्राई हो जाते हैं और क्रिस्पी हो जाते हैं तो लहसुन का भी एक अपना टेस्ट होता है, मिर्चों का भी एक अपना टेस्ट होता है। अब इसमें ज़ीरा डाल देंगे, ज़ीरे को थोड़ा कड़कड़ा लेंगे, जब ज़ीरा थोड़ा सा कलर चेंज कर जाएगा, हरी मिर्चों का कलर और लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। बस क्या करना है, टमाटर डालना है और खुश्क मसाले डालने हैं। ये टमाटर 2 काट के डाल दिए हैं और फिर इसके साथ ही खुश्क मसाले भी डाल देंगे। और ये बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है और बहुत इंस्टेंट बनती है। अब गर्मियों में सब्ज़ियाँ वैसे ही इतनी मज़ेदार नहीं आती हैं सर्दियों की जैसी सब्ज़ियाँ होती हैं। तो फिर अब सोचते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के सब्ज़ी बना ली जाए। ये नमक डाल दिया है, लाल मिर्च डालेंगे और हल्दी डालेंगे, इसके अलावा मैं कोई और मसाले नहीं डालती ज़्यादा गर्म मसाले वगैरह, सिर्फ मैं नॉन वेज में यूज़ करती हूँ, वेजिटेबल में मैं ज़्यादा गर्म मसाला वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये सिंपल सब्ज़ी ही इतनी टेस्टी बन जाती है, आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा। ये रेड मिर्च हैं, ये थोड़ी सी डाल दी हैं मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से। इसको ज़्यादा तीखा और मसालेदार नहीं बनाना चाहिए, इसमें ज़्यादा कोई मसाला नहीं बनाना चाहिए, इसको बिल्कुल जितना सिंपल बनाएंगे। इसको ढक के रख दिया है मैंने अब, तो टमाटर भी गल जाएंगे और आलू भी जो कसर रह गई होगी वो भी पूरी हो जाएगी। ये देखें कितनी मज़ेदार सी चटपटी सी सब्ज़ी लग रही है। अब हम इसमें शिमला मिर्च, आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं, सिर्फ आलू भी अगर इस तरीके से फ्राई करके खाएं तो वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं, लेकिन मुझे शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर लिया था, तो शिमला मिर्च से और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हद 5 से 7 मिनट, ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए, बाकी इसकी क्रंचीनेस रहेगी तो टेस्टी लगेगा। तो मुझे तो अच्छी लगती है क्रंचीनेस, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ज़्यादा गला लें। इसको बस मिक्स कर लें, थोड़ी देर इसको पकने दें और मज़ेदार सी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। ये देखें, पक के तैयार हो गई है शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। और मैं साथ साथ रोटियां भी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जब सालन बन गया है तो मैंने सोचा साथ साथ रोटियाँ भी बना ली जाएँ, मैं कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी। फिर मैं किचन में आ गई हूँ, अब बच्चों ने फरमाइश की है कि पापड़ बना दिए जाएँ। मैं असल में पैकेट वाले पापड़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, बस कभी मजबूरी में बच्चे खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ाई की बात है कि बच्चे नहीं खाते, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं इनको घर में हर चीज़ बना के दूँ। जो भी चीज़ देती हूँ, बर्गर है या जो भी है फास्ट फूड है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो मैं इनको घर में ही बना के दूँ। तो शाम का वक्त है और बारिश भी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो बच्चों को थोड़ा सा कुछ स्नैक्स हो जाएंगे, बच्चे खा लेते हैं तो खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बनाया पापड़, ये इजीली मिल जाते हैं ना, किधर कोई मार्केट या बाज़ार हो उधर इजीली मिल जाते हैं।
तो ये मेरे हस्बैंड ले आते हैं, जो मैंने मंगल बाज़ार से सब्ज़ियों का बताया था वहीं से ये इस तरह मिल जाते हैं, और इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है जी। तो ये पक्के तैयार हो गए हैं, और अब मैंने कहा चलो बच्चों को देती हूँ, और बच्चे अब ज़ायरा ज़िद कर रही है कि मैं ये सादे नहीं खाऊंगी, इसको मेयोनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो चली गई है, वो कह रही है मैं ऐसे नहीं खाऊंगी, मुझे मेयोनीज़ के साथ ही चाहिए। और मैंने साथ में चाय बना ली है, क्योंकि बारिश का मौसम और चाय ना बने तो क्या मज़ा है, तो चाय तो मुझे चाहिए ही होती है। चाय साथ बन गई है और हम लोग इंजॉय कर रहे हैं पापड़, और मैं और मायरा ख़ास तौर पे इंजॉय कर रहे हैं, और ज़ायरा रो रही है कि बस मुझे मायोनीज़ डाल के दिया जाए। फिर उसको मायोनीज़ डाल के दिया, और अब ये बच्चे खेलने लग गए हैं थोड़ा सा। मैंने कहा चलो खेल रहे हैं, अब क्या किया जाए, बच्चों खिलौने फैलाने की इतनी आदत हो गई है, जिधर देखो खिलौने ही खिलौने, खिलौने ही खिलौने। तो फिर मैंने कहा चलो खेलो आप लोग, फिर समेट लेते हैं, कभी इसके बाबा समेट लेते हैं, कभी मैं समेट लेती हूँ, सारा दिन यही काम चलता रहता है इनके खिलौनों का, फैलाने का और समेटने का काम। अब बच्चे हैं, और ये कोई पड़ोस की बच्ची भी आ गई है, वो भी खेल रही है उनके साथ। तो चलें बच्चे खेलते हैं और हम कुछ और जी। तो अब रात हो गई है, और अब हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं, और मैंने सोचा कि चलें एवरेज देखे किस तरीके से सोती है ओढ़ के। सच्ची में ऐसे मुंह पे रख के सोती है, ज़रा सा इसका कपड़ा हट जाए ना, फिर उसके बाद वो ऐसे झिनझिनाती है। और अभी तो सर्दी है, मतलब आज बारिश है, आप लोग को अजीब लग रहा होगा सर्दी है बोल रही हूँ, लेकिन ये कि वाकई यहाँ पर ठंड हो रही है, पंखे में भी बहुत सर्दी लग रही है। तो बस अवरिश ऐसे ओढ़ के सो गई है फुल, और अभी हम भी सोते हैं, चलें बच्चे भी सो गए हैं। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अब मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, क्या चीज़ का मसला है, क्या कोई चीज़ बुरी लगती है तो मुझे बताएं, मैं अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। और कुछ कमी बेशी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, बच्चे मेरे छोटे हैं तो बस चलता रहता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। और आप लोग भी मुझे दुआओं में याद रखें, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूँगी इंशाल्लाह। और जिस जिसकी जो जो परेशानी है अल्लाह ताला उसको ख़त्म कर दे, और जिसने मुझे दुआ के लिए कहा है अल्लाह पाक मेरी ज़बान की लाज रखे, और अल्लाह पाक उनकी दुआएँ कबूल फरमाए और मेरी भी दुआ कबूल फरमाए। अल्लाह ताला बस सबकी दुआएं कबूल फरमाए, जितने भी मोमिन मुसलमान हैं अल्लाह पाक उनकी जायज़ को दुआओं को पूरा करे। और बस अब बस इसी नोट पे हम एंडिंग करते हैं। आप भी बस, मैं भी सोने लगी हूँ, आप भी सो जाएं अगर आप लोग जाग रहे हैं। और ये ब्लॉग तो दिन में ही आएगा ऑब्वियसली, कल एडिट होके तो इंशाल्लाह। चलें अब मैं अल्लाह हाफिज़ बोलती हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।